तभी यह घटना घटी। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। राजगढ़ में अब तक 24 बार नगर चौरासी हो चुकी है। नगर चौरासी में सभी धर्मों व जातियों के समाजजनों द्वारा एक ही जाजम पर बैठाकर सहभोज करते हैं। इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से युवा सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय भंडारी ने अथक प्रयासों के बाद रिकॉर्ड संस्थाओं में नगर चौरासी का जगह मिलेगी। हाल ही में महावीर स्वामी की अंज सलाका प्रतिष्ठा के अवसर पर 24वीं नगर चौरासी आयोजित हुई, जिसके दस्तावेज रिकॉर्ड संस्थाओं को भेजे थे, जिसके बाद सर्टिफिकेट राजगढ़ के नाम आने लगे। भगवान महावीर का सिद्धांत अनेकांतवाद है, वो अनेकता में एकता का दर्शन करते हैं। उनका कहना है कि एक शहर में पहुंचने के बहुत से रास्ते होते हैं, कोई ट्रेन से जाता है, कोई सड़क मार्ग से जाता है, कोई हवाई जहाज से जाता है, आकाश मार्ग से जाता है, लेकिन पहुंचता उसे शहर के अंदर ही है। सभी का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना। तो मार्ग और धर्म समुदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी भावना एक होती है। भगवान महावीर जयंती के दिन भगवान महावीर स्वामी के मंदिर के उत्सव समारोह में यह जो एकता भोज हुआ, नगर चौर से कहा जाता है, राजस्थान की भाषा में भलचंद कहा जाता है, और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर भाईचारे को प्रदर्शन करने के लिए सबने मिलकर भगवान महावीर के उत्सव समारोह के अंदर अपनी एकता बताई, उसकी बहुत बहुत बधाई मिली राजपूत समाजों को, सभी समाजों को बधाई। पांच धाम एक मुकाम माताजी मंदिर के ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम भारद्वाज ने बताया, नगर चौरासी सन 2000 में मनसा महादेव की प्रतिष्ठा पर यह आयोजन किया गया था। हर धर्म हर जातियों के समाज जनों ने महाप्रसादी ग्रहण की थी। इसके बाद से ही नगर चौरासी का आयोजन निरंतर हो रहा है। संभाव समरसता हो, भेदभाव दूर हो, इसके कारण नगर चौरासी का आयोजन किया जाता है। चौरासी के विषय में अगर जानना चाहें तो इस राजगढ़ नगर में ही सन 2000 में मनसा महादेव की प्रतिष्ठा के अंतर्गत ये नगर चौरासी का आयोजन किया गया, और इसमें मानव मात्र सभी समाज सभी वर्ग उन्होंने यहाँ महाप्रसादी ग्रहण की। उसमें कोई भी जाति समाज वर्ग ये छूटा नहीं, और सभी ने आनंद पूर्वक यहाँ प्रसादी ली, और उसके पश्चात निरंतर ये नगर चौरासी का आयोजन इस नगर में हो रहा है। और प्रारंभ में जिस प्रकार जो उत्साह था, आज भी वही उत्साह लोगों में बना हुआ है, और प्राचीन समय से इस आयोजन को करते आ रहे हैं। राजाओं के द्वारा भी हुआ है, देवों के द्वारा भी हुआ है, और इसके पश्चात आज जैसे समरसता या समभाव उत्पन्न करने के लिए कोशिशें की जाती है, तो ये कोशिशें प्रारंभ से ही धर्म कार्य के अंदर होती रही है। सभी के अंदर समभाव की का जागरण, उनमें जागृति आए, भेदभाव दूर हो, इसी कारण से ये आयोजन किया जाता है और सफल रहता है, क्योंकि ये धर्म को साथ लेकर के, परमात्मा को साथ लेकर के, वो हर समाज हर वर्ग में सभी सम्मिलित हो जाते हैं, और भेदभाव मिटाने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई कार्य आज भी नहीं है। आपका नाम? पुरुषोत्तम भरद्वाज। बोहरा समाज के आमिल शेख अदनान कहते हैं, हमारे गुरु यह संदेश दिया है, कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, हमेशा सब मिलजुल कर रहें। हम यही अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलजुल कर रहें और यही भारत का गौरव साबित हो जाए। जामा मस्जिद के मोहम्मद अब्दुल रहीम खां का कहना है, नगर चौरासी का नाम वर्ल्ड में आए, राजगढ़ में सभी मिलजुल कर रहें, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता है। जैनाचार्य ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराज का कहना है, महावीर स्वामी का सिद्धांत अनेकांतवाद है, वह एकता का दर्शन कराते हैं। मार्ग व धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष और ईश्वर को प्राप्त करना।